हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, कई दिनों बाद मेरा व्लॉग आज आ गया है। एक्चुअली मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मेहमान, इसलिए मैं बहुत बिजी थी, मैं कोई व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा जो भी मेरे पास वीडियोज़ हैं वो सब मैं डाल दूँ। तो ये कब तब का है जब मेरी ननद जी जा रही थी घर। मारा दिए ममान जब रुद्राभिषेक पूजा के बाद तो यहाँ पर मेरी सासू माँ और दीदी सभी लोग जा रहे हैं गांव पे। और मैंने सोचा सासू माँ के साथ थोड़ा रील्स बनाए, तो देखिए ले आओ ले आओ। नहीं इकट्ठे मिल रही यही कुल और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 बजे, क्योंकि आराम से सुबह खा पी के फिर सब लोग दोपहर को जा रहे हैं। और दीदी के ऊपर ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, इनके बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, 17 साल 16 साल के, लेकिन अभी लगती हैं कि मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। दीदी लोग का शरीर बहुत ही अच्छा है। तो चलिए सासू माँ के पैर वैर छू लेते हैं और फिर चलते हैं। मेरे हस्बैंड जी नहीं आ सके क्योंकि उनकी ड्यूटी थी और दीदी के बच्चों का पढ़ाई भी मिस हो रहा था। छोटी बेटी को लेकर के आई थी तो उनका स्कूल भी कई दिनों से नहीं जा हो पा रहा था, इसलिए दीदी को जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हैं हमारे बहनें, तो इनका भी पैर छू लेते हैं हम, क्योंकि बहनें ही सबसे बड़े ब्राह्मण होते हैं हम लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर दीदी थोड़ी इमोशनल हो रही थी, लेकिन मैं उनको कुछ न कुछ बोल करके हंसा रही थी कि ये रोए ना, मायका चाहे कितना भी दिन पुराना हो जाए लेकिन आते वक्त आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। अम्मा चाहे कितने भी साल हो जाए आए गए हुए, तो मैं दीदी को कुछ न कुछ बोल करके हंसा रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार, आज प्रदोष व्रत भी है, तो मेरे लिए तो अच्छा है, मेरा दोनों ही व्रत हो जाएगा आज। और अभी सुबह का टाइम है, चल रहे हैं पूजा की तैयारी करने और अभी मंदिर भी चलना है, तो पहले चलूँ घर में कर लूँ पूजा वूजा, तो फिर चलूँगी। और टाइम तो हो ही जाता है, 8 बज गए हैं। यहाँ पर बेलपत्र वगैरह मैंने लिख लिया है, फूल वगैरह तोड़ लिया है। यहाँ पर मैं चलूँ पूजा कर लूँ, तो सबसे पहले चल सूर्य भगवान को जल देने चलते हैं। और हमारे पौधों में छोटे छोटा वाला भी गुड़हल का फूल खिलता है, बड़ा वाला भी, तो गुड़हल का फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल दे देते हैं। और सभी महिलाओं को सूर्य भगवान को तो जल जरूर ही देना चाहिए।
इसके बाद अब मंदिर जाने के लिए सामान वगैरह ले रही हूँ डोलची में, क्योंकि इसमें ले जाने में आसानी रहती है। तो मेरा जल और डोलची वगैरह तैयार हो चुकी है और अपनी बेटियों को साथ लेकर के चलूँगी मैं। सोमवार है तो वहीं चलूँगी भाजपा पुखरा प्राचीन शिव मंदिर। और मेरा भी क्या है क्या खींच के सिम मिनी कट बंद कर लेना। यहाँ पर बाहर का नज़ारा कुछ बदला था, क्योंकि जो भी पेड़ था सब कुछ कट चुका है। ये जीटी रोड चौड़ा बन रहा है 6 लेन, इसीलिए बाहर के जितने भी पेड़ पौधे थे, देखिए नीम का पेड़ कटा हुआ है। थोड़ा खाली खाली लग रहा था, जैसे उजाला की तरह लग रहा था। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। भीड़ तो है बहुत ज़्यादा, यहीं से दिख रही है। और सावन का आखिरी सोमवार है, तो जिनका भी और छूटा होगा नहीं आ सकते होंगे इस वाले में, तो ज़रूर ही आएंगे। सावन का आखिरी सोमवार है तो चलिए मेरा भी दर्शन पूजन हो जाए। वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, अंदर खड़े होने की जगह नहीं थी। कैसे कैसे पूजा हुआ और धूप बत्ती दिया वगैरह बाहर ही जलाना था, तो यहाँ पर धूप बत्ती दिया मैं बाहर जला दे रही हूँ। अंदर किसी को भी नहीं जलाने दे रही थी, क्योंकि डर रहता है कि किसी लेडीज़ का साड़ी वगैरह ना छुआ जाए, उसमें जल वल ना जाए, इसलिए दिया बत्ती सब बाहर ही जल रहा है। वहाँ पर केवल जलाभिषेक सभी लोग कर रहे हैं। तो मेरा भी दिया बाती वगैरह हो चुका, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। और आज ही लास्ट डे है यहाँ, कब तो फिर पता नहीं कब आऊँगी। सावन में हर सोमवार को आती थी और प्रदोष को भी आ जाती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पर रहा मेरा बेटा, उसको चंदन लगवाना था, जो शंकर भगवान जी का त्रिपुंड चंदन लगता है, तो गया वो लगवाने पंडित जी से। मैं भी थोड़ा सा कैप्चर कर ली इधर, जब हस्बैंड जाते हैं तो उनके साथ भी शाम को आती हूँ दिया जलाने। मंदिर वगैरह में जाओ तो थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती है, मन को सुकून मिलता है, और ज़िंदगी में है ही क्या। भगवान का भजन करो अच्छे से, अपना घर परिवार बाल बच्चों का ध्यान रखो, बस यही लाइफ होती है एक लेडीज़ की। तो चलिए अब चलते हैं घर। पूजा उजा हो गई और मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अंदर वीडियो बना ही नहीं पाई। वहाँ पर मैं और मेरा बड़ा बेटा आया है,
छोटी बेटी को घर ही छोड़ी हूँ। आओ चलो, चलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यही तक है और मेरी आवाज़ भी अब थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, तो मैं आपको डेली ब्लॉग्स ज़रूर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।